नीतीश नायडू ने पहले भी मारी पलटी, क्या फिर होगा दल बदल? जानिए इस सवाल पर क्या बोले आचार्य प्रमोद। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। अगर ऐसा होता तो जनता इतना बड़ा जनादेश नहीं देती। एनडीए को मिली बहुमत के बाद सरकार गठन की तैयारी चल रही है। बीजेपी 240 सीटों के साथ एनडीए का सबसे बड़ा दल है, उसके बाद टीडीपी और जेडीयू का नंबर आता है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि कहीं टीडीपी और जेडीयू एनडीए से बाहर नहीं हो जाए। अगर ऐसा होता है तो एनडीए के लिए सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार पहले भी ऐसा कई बार कर चुके हैं। वहीं जब पलटी मारने से जुड़ा सवाल कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम से किया गया तो उन्होंने भी इस पर जवाब दिया। आचार्य प्रमोद ने कहा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर शक करना गलत है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनते हुए देखना चाहती है। आचार्य प्रमोद कृष्णम को इसी साल कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया गया था। वह कांग्रेस की नीतियों के मुखर आलोचक के तौर पर जाने जाते हैं। नीतीश कुमार पर बेवजह शक करना गलत आचार्य प्रमोद। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को कई बार पलटी मारते देखा गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस सवाल के जवाब में आचार्य प्रमोद ने कहा, नीतीश और चंद्रबाबू के साथ बीजेपी का चुनाव से पहले ही गठबंधन रहा है, इस वजह से उन पर बेवजह शक करना गलत है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। बीजेपी ने चुनाव में बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने आगे कहा, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर सरकार बनेगी, वहां काफी ज्यादा सीटें जीत कर आए हैं। लेकिन मैं कुल मिलाकर कहना चाहता हूं कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हुए देखना चाहती है। अगर देश की जनता नरेंद्र मोदी से इतना ज्यादा नाराज होती तो उन्हें इतना बड़ा जनादेश नहीं देती।